हाँ जी नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस में। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वतों के बारे में, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के अंदर दो सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां हैं। एक है विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इन दो श्रेणियों के साथ मध्य प्रदेश के अंदर बहुत छोटी छोटी पहाड़ियों के बारे में और कुछ चोटियों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन श्रेणियों की अगर हम बात करें तो केवल दो ही श्रेणियां हमें मध्य प्रदेश के अंदर मिलती हैं। एक है विंध्याचल पर्वत श्रेणी और दूसरी हमें मिलती है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। देखो यार, तो मध्य प्रदेश के अंदर एक हमें यहां पर मिल जाती है विंध्याचल पर्वत श्रेणी और दूसरा इसी के नीचे नर्मदा नदी के दक्षिण में यहां पर मिलती हमें सतपुड़ा पर्वत श्रेणी माउंटेन रेंज। अरावली माउंटेन आपको इस डायरेक्शन में मिल जाएगा, जिसका मध्य प्रदेश के अंदर हम अध्ययन नहीं करेंगे, इसका हम अध्ययन पूरा राजस्थान के अंदर करेंगे। ठीक है, तो अरावली मध्य प्रदेश के इस हिस्से में हमें मिलेगा। तो यहां पर हमें दो प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में पढ़ना है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो सबसे पहले यहां पर हम पढ़ेंगे विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार कहां से कहां तक है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणियां आती हैं और कौन कौन सी प्रमुख पहाड़ियां और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो देखिए समझे जरा। तो सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं कि विंध्याचल पर्वत के बारे में। तो विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य में लगभग स्थित श्रृंखला है। तो इस जगह पर आपको विंध्यन पर्वत श्रेणी मिलेगी, जो एक प्राचीन वलित, ठीक है, अवशिष्ट पर्वत कह सकते हैं वलित की जगह। तो इस जगह पर हमें मिलती है विंध्यन पर्वत। तो सबसे पहले पॉइंट आपको याद रखना है, विंध्यन पर्वत भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत आती है, जिसमें आप अपलेशियन पर्वत के साथ इसकी तुलना कर सकते हैं। तो विश्व में जैसे हम अपलेशियन पर्वत की बात करते हैं तो ये भी प्राचीन पर्वत है, अरावली पर्वत की बात करते हैं ये सब प्राचीन पर्वत। तो इन्हीं पर्वतों की तरह हमारा विंध्यन माउंटेन भी क्या है, एक प्राचीन पर्वत का उदाहरण है। दूसरी यहां पर हमें इंट्रोडक्शन के अंदर ये याद रखना है कि जब हम विंध्यन पर्वत की बात करते हैं तो विंध्यन पर्वत के ऊपर पूरे का पूरा उत्तर का मैदान है और विंध्यन पर्वत के दक्षिण के अंदर अगर हम जाते हैं तो विंध्यन पर्वत के दक्षिणी भागों के अंदर पूरे का पूरा प्रायद्वीपीय पठार है, या इसको हम दक्कन का पठार कह सकते हैं। तो इसका मतलब है, कहा जा सकता है कि विंध्यन पर्वत उत्तर के विशाल मैदानों को या उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों को प्रायद्वीपीय पठार के दक्कन के पठार से अलग करने वाली एक संरचना है। तो दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, ये उत्तर के मैदानी क्षेत्रों को दक्कन के पठार के बीच में क्या करता है, एक प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है। इसके बाद अगर हम मध्य प्रदेश के अंदर एंटर करते हैं तो तीसरा पॉइंट आपको मध्य प्रदेश के आधार पर याद रखना है। तो मध्य प्रदेश के अंदर यहां पर हमें मिलता है मध्य प्रदेश के अंदर मालवा का प्लेटू। तो मध्य प्रदेश के अंदर इसकी स्थिति अगर हम देखेंगे तो मालवा के पठार और नीचे इसके नदी प्रवाहित होती है, जिसको कहते हैं नर्मदा नदी। तो हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर यह मालवा के पठार के दक्षिण में और नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। तो यहां पर तीन पॉइंट आपको इसके इंट्रोडक्शन में याद रखने हैं। पहली चीज याद रखेंगे, ये विश्व के प्राचीन पर्वतों के अंतर्गत आता है, जिसको अवशिष्ट पर्वत के नाम से भी हम जानेंगे। दूसरा हमें यहाँ पर यह याद रखना है कि ये पर्वत उत्तर के मैदानों को प्रायद्वीपीय पठार के या दक्कन के पठार से अलग करता है। और तीसरा, मध्य प्रदेश के अंदर हम स्थिति याद रखेंगे कि ये मध्य प्रदेश के मालवा के पठार के दक्षिण में और नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। तो तीन बातें यहां पर क्लियर हो गई। अब इसको अवशिष्ट पर्वत कहा जा रहा है, यहां पर इसको प्राचीन पर्वत कहा जा रहा है। इसका मतलब क्या है, तो अगर हम अरब विंध्यन पर्वत की बात करें तो विंध्यन पर्वत की जो निर्माण प्रक्रिया है वो लगभग आपका अगर हम जाएंगे तो कैम्ब्रियन समय में आपको इसको निर्माण की प्रक्रिया, इसकी जो चट्टाने हैं वो कैम्ब्रियन के समय से स्टार्ट हमें मिल जाती हैं, या प्री कैम्ब्रियन के अवशेष भी यहाँ पर मिल जाते हैं। उस समय जब इसका निर्माण हुआ था तो यहाँ पर एक भूसन्धति हुआ करती थी, जिसको कहते थे विंध्यन भूसन्धति। तो विंध्यन भूसन्धति से इसकी उत्पत्ति हुई थी। जब विंध्यन भूसन्धति से इसकी उत्पत्ति हुई होगी तो ये एक फोल्डेड माउंटेन के रूप में था। तो ये क्या था, उस समय एक फोल्डेड माउंटेन रहा होगा, जिस तरीके से आज हिमालय की स्थिति हमें देखने को मिलती है उसी प्रकार से उस समय सोचो कि विंध्यन पर्वत की स्थिति भी हमें देखने को मिलती होगी। लेकिन हजारों करोड़ों वर्षों का समय अंतराल के कारण इस फोल्डेड माउंटेन का बहुत ज्यादा क्या हो गया, अपक्षय और अपरदन हुआ। तो इस फोल्डेड माउंटेन का काफी ज्यादा अपक्षय और अपरदन हुआ,
वेदरिंग एंड इरोजन हुआ। वेदरिंग एंड इरोजन होने के कारण इसकी जो ऊंचाई थी वो धीरे धीरे कम होती गई, और ऊंचाई कम होने के कारण ये क्या बन गया, एक अवशिष्ट पर्वत बन गया। तो इसलिए इसको हम रेजिड्यूल माउंटेन्स के नाम से जानते हैं कि विंध्यन पर्वत एक ओल्ड रेजिड्यूल माउंटेन से प्राचीन अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। क्लियर हुआ यहां पर? तो ये क्या है, एक प्राचीन अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है जो उत्तर के मैदान और दक्कन के पठार को अलग करता है, मध्य प्रदेश के मालवा के पठार के दक्षिण में और नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। इसके बाद हम इसकी लोकेशन के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ते हैं। तो विंध्यन पर्वत की पहली चीज अगर आप याद रखोगे कि विंध्यन पर्वत जो हमें मिलता है वो मध्य प्रदेश, मध्य भारत के अंदर या मध्य प्रदेश के अंदर हमें ये स्थिति देखने को मिलती है। तो यहां पर अगर हम स्थिति को देखेंगे तो ये पूरी की पूरी पोजिशन हमें विंध्य प्रदेश की मिलेगी या विंध्य रेंज की मिलेगी। तो अब हमें यहां पर याद रखना है कि ये विंध्य प्रदेश है कहां पर, तो हम ये कह सकते हैं विंध्य प्रदेश मध्य भारत में स्थित है। कहां पर स्थित है, मध्य भारत में स्थित है, या ये कह सकते हैं मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये इसका विस्तार अगर हम देखेंगे तो ये किस डायरेक्शन में फैला हुआ है, तो पश्चिम से पूर्व। तो ये किस डायरेक्शन में फैला हुआ, तो इसका जो विस्तार है पूरे का पूरा वो हॉरिजॉन्टल विस्तार मिलता है, क्षैतिज रूप में इसका विस्तार पश्चिम से पूर्व दिशा के अंदर मिलता है। आप पूर्व से पश्चिम भी बोल सकते हैं या पश्चिम से पूर्व भी बोल सकते हैं। अब यहां से जब ये पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है पूरे का पूरा इसका एक्सटेंशन है, तो ये किन किन राज्यों के अंतर्गत आएगा? तो हम अगर राज्यों की यहां पर बात की जाए तो यहां पर राज्यों में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला जो राज्य मिलेगा वो यहां पर गुजरात मिल जाएगा। तो इसका विस्तार जो शुरू होता है वो कहां से होगा, गुजरात से। गुजरात से जब ये इस साइड आएगा तो यहां पर इसका विस्तार बीच में मध्य प्रदेश में मिलेगा। तो गुजरात से स्टार्ट हुआ कहां पर जाएगा, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश से जब ये आगे की ओर बढ़ेगा तो इसका विस्तार बिहार स्टेट में जाएगा। तो आगे इसका विस्तार कहां तक चला जाता है, बिहार तक। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका विस्तार पश्चिम में गुजरात, मध्य में मध्य प्रदेश और पूर्व में बिहार तक विस्तृत है। लेकिन इसका कुछ विस्तार यहां पर उत्तर प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है और कुछ विस्तार इसका नीचे थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ से भी जुड़ा हुआ। तो उत्तर प्रदेश को भी इसमें आप याद रख सकते हैं, उत्तर प्रदेश का जो मिर्जापुर वाला बेल्ट है वहां तक भी इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? तो ये गुजरात से लेकर कहां तक फैला हुआ है, बिहार के सासाराम तक इसकी लोकेशन हमें देखने को मिलती है। यूपी के मिर्जापुर में इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश में इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है, गुजरात के अंदर भी जौबट पहाड़ी के नाम से इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। तो दिस रेंज या द रेंज एक्सटेंड अप टू द गुजरात इन द वेस्ट। तो गुजरात कहां पर स्थित है, तो यहां पर क्या लिखा, गुजरात इन द वेस्ट, गुजरात के वेस्ट में है। मध्य प्रदेश इन द सेंटर, मध्य प्रदेश के सेंटर में। उत्तर प्रदेश एंड बिहार इन द नॉर्थ एंड छत्तीसगढ़ इन द ईस्ट, या डायरेक्ट इसको नॉर्थ ईस्ट लिख सकते हैं। तो ये तीनों स्टेट इसके किस साइड मिलती है, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के अंतर्गत मिलती है। क्लियर हो गया? तो ये पूरे का पूरा विस्तार याद रखेंगे इसका। तो ये विस्तार स्टार्ट होगा गुजरात से, गुजरात के बाद जाएगा ये मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से जाएगा बिहार में। कुछ विस्तार इसका यूपी को टच करेगा, थोड़ा बहुत विस्तार इसका छत्तीसगढ़ को भी टच करेगा। क्लियर हुआ यहां तक सारी चीजें? इसके बाद आगे समझे, तो ये विंध्यन माउंटेन हो गया। अब पूरी इसकी स्थिति को हम मध्य प्रदेश में समझते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर विंध्य पर्वत की क्या स्थिति हमें देखने को मिलती है। तो मध्य प्रदेश में समझने के लिए हमें यहां पर एक पर्वत के बारे में पहले हम बेस लेते हैं जिसका नाम है सतपुड़ा पर्वत। तो यहां पर हमें मिलेगा सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत की सबसे पूर्वी चोटी का नाम है, या सबसे पूर्वी श्रेणी को कहा जाता है मेकाल रेंज। तो सतपुड़ा पर्वत की सबसे पूर्वी श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है, मेकाल श्रेणी के नाम से। इसी मेकाल श्रेणी के इस क्षेत्र से, पूर्वी क्षेत्र से, या ये कह सकते हैं सतपुड़ा पर्वत के पूर्वी क्षेत्र से, मेकाल श्रेणी से एक नदी का उद्गम होता है जो है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी कहां से निकल कर जाती है, तो नर्मदा नदी इसी श्रेणी से निकलकर प्रवाहित होती है, और इसी नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है विंध्यन पर्वत। तो विंध्यन पर्वत कहां पर स्थित है, हम कह सकते हैं नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है विंध्यन पर्वत। अब इस विंध्यन पर्वत के विस्तार की बात की जाए तो इसका विस्तार कहां से स्टार्ट होता है, गुजरात से। तो पहली स्टेट यहां पर कौन सी मिलती है, तो विंध्यन पर्वत का जो पश्चिमी विस्तार है वो गुजरात में मिलता है। गुजरात में इसे जौबट पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो विंध्यन पर्वत को गुजरात में किस नाम से जाना जाता है, तो विंध्यन पर्वत को गुजरात में जौबट पहाड़ी के नाम से जानते हैं। इसके बाद इसका जो पूर्वी विस्तार है, जब ये पूर्व की ओर बढ़ता है तो पूर्व की ओर बढ़ते हुए पहुंच जाता है मध्य प्रदेश में, और इसी को मध्य प्रदेश में भांडेर श्रेणी के नाम से जाना जाता है।
तो जोबट पहाड़ी के पूरब में, तो पश्चिम से पूरब की ओर जो विस्तार है, तो विंध्यन पर्वत का जो पूर्वी विस्तार है वो किस नाम से जाना जाता है? जोबट पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और इससे भी अगर हम पूर्वी विस्तार की ओर जाते हैं तो ये किस नाम से जाना जाता है? तो ये कैमूर श्रेणी के नाम से जाना जाता है, जो कहां तक फैली हुई है, ये हम कह सकते हैं बिहार तक विस्तृत है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि विंध्यन पर्वत का विस्तार तीन श्रेणियों में बटा हुआ है, गुजरात के अंदर जोबट पहाड़ी के रूप में, मध्य प्रदेश के अंदर भांडेर श्रेणी के रूप में, और बिहार की सीमा के साथ कैमूर श्रेणी के रूप में। बीच में कुछ विस्तार यूपी के अंदर भी जाता है, यूपी के अंदर इसमें काफी ज्यादा अपरदन हो चुका, इसलिए कोई खास पर्वत श्रेणी यहां पर हमें देखने को नहीं मिलती। अब इसमें आपसे पीक्स पूछी जाती है, किसकी हाईएस्ट पीक क्या है? तो विंध्यन पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है, विंध्यन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हमें भांडेर श्रेणी के पास में मिलती है, ठीक है? तो भांडेर श्रेणी पर इसकी सबसे ऊंची चोटी मिलती है, जिसको गुडविल या सद्भावना के नाम से जाना जाता है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुडविल या सद्भावना। तो हम कह सकते हैं विंध्यन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सद्भावना चोटी या गुडविल चोटी, जो किसके अंतर्गत आती है? भांडेर श्रेणी के अंतर्गत आती है, और यह दमोह जिले के अंतर्गत आती है। तो किस जिले के अंतर्गत आती है? यह दमोह जिले के अंतर्गत आती है। इसी मैकाल श्रेणी से उद्गम होता है सोन नदी का, ठीक है? तो इसी मैकाल श्रेणी से सोन नदी का उद्गम होता है। और सोन नदी की अगर हम बात करें, यहां पर समझना थोड़ा अच्छे से, सोन नदी की अगर हम बात करें तो सोन नदी यहां से आने वाली गंगा नदी से जाकर मिल जाती है, और गंगा नदी से मिलने वाली एक नदी यहां पर हमें मिलती है, जिसको कहा जाता है यमुना नदी। तो गंगा नदी से कौन सी नदी मिलती है यहां पर? यमुना नदी यहां से मिल जाती है। तो अब आप देखेंगे यहां पर हमें मिलती है यमुना नदी और यहां पर स्थित है सोन नदी। तो सोन नदी, तो यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है यमुना नदी और सोन नदी के मध्य प्राकृतिक विभाजन का कार्य कौन करता है, या कौन सी पर्वत श्रेणी है या कौन सी पहाड़ी है जो यमुना नदी को सोन नदी से विभाजित करती है? तो यमुना और सोन के बीच में क्या आ रहा है? तो हमारा आंसर होगा कि यहां पर कैमूर श्रेणी दोनों के बीच में विभाजक का कार्य करती है। इसके बाद एक चीज और समझे, यहां पर जब हम पूरी की पूरी विंध्यन रेंज की स्टडी करते हैं, इस तरीके से मान लेते हैं कि ये विंध्यन रेंज है हमारा, तो इस विंध्यन श्रेणी की सीमांकन को अगर देखा जाए कि विंध्यन पर्वत श्रेणी का हम किस तरीके से सीमांकन कर सकते हैं, इसके चारों ओर में कौन कौन सी स्थलाकृतियां स्थित है, देखो जरा। तो इस डायग्राम में एक तो चीज आपको समझ में आ रही कि विंध्यन पर्वत के दक्षिण में, विंध्यन पर्वत के दक्षिण में एक नर्मदा नदी घाटी स्थित है, जिसको कहा जाता है नर्मदा, और विंध्यन पर्वत के इस पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है, जिसको कहा जाता है सोन नदी। तो इसका मतलब है विंध्यन पर्वत दो नदी भ्रंश घाटियों के बीच में स्थित है। तो विंध्यन पर्वत के दक्षिणी ढाल पर, तो विंध्यन पर्वत के दक्षिण में नर्मदा स्थित है, तो हम कह सकते हैं विंध्यन पर्वत की जो दक्षिणी सीमा है वो नर्मदा नदी से निर्धारित होती है, और विंध्यन पर्वत की जो पूर्वी सीमा है वो सोन नदी से निर्धारित होती है। और इसी के ऊपर, इसके उत्तर पश्चिम में जाएंगे तो यहां पर क्या स्थित है? मालवा का पठार स्थित है। तो यहां पर आ जाता है मालवा का पठार। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो दक्षिणी भाग में क्या स्थित है? नर्मदा नदी। पूर्वी भाग में क्या स्थित है? सोन नदी। और उत्तर पश्चिमी भाग में क्या स्थित है? मालवा का पठार। तो इस तरीके से विंध्यन पर्वत आपका चारों तरफ से पठार और नदी घाटियों से घिरा हुआ है। यहां पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है, जैसे मैं नर्मदा नदी के बारे में आपको बताऊं, मान लेते हैं कि यहां पर यह विंध्यन पर्वत है, और विंध्यन पर्वत के आगे अगर हम बढ़ेंगे तो विंध्यन पर्वत के नीचे यहां पर हमें मिल जाएगी कौन सी नदी घाटी? तो विंध्यन पर्वत के नीचे यहां पर हमें जो मिलती है, तो ये हमारी जो नदी मिलेगी यहां पर हमें, तो ये नदी घाटी कहलाएगी हमारी नर्मदा। तो यहां पर नर्मदा मिलेगी, और ये क्या हो गया हमारा? विंध्यन। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि अगर, क्वेश्चन दो तरीके से आता है, एक क्वेश्चन आता है कि विंध्यन पर्वत के दक्षिणी कगारों पर कौन सी भ्रंश घाटी स्थित है, तो विंध्यन पर्वत के सदर्न स्कार्पमेंट पर कौन सी नदी घाटी स्थित है, तो आंसर क्या आएगा? तो विंध्यन पर्वत से अगर हम नीचे की ओर उतरते हैं तो यह विंध्यन पर्वत का दक्षिणी घाट कहलाएगा। जैसे यहां पर आप देखेंगे तो विंध्यन पर्वत से अगर हम दक्षिण उतरेंगे तो कहां जाएंगे? नर्मदा घाटी के अंदर जाएंगे। कई बार क्वेश्चन आता है कि अगर हम नर्मदा घाटी से ऊपर की ओर जाते हैं तो नर्मदा घाटी इसके देखो आएंगे तो ये साउथ वाला पार्ट कहलाएगा, ऊपर की ओर जाएंगे तो ये नॉर्थ हो जाएगा।
तो नर्मदा घाटी से, जैसे हम नर्मदा घाटी से ऊपर की ओर चढ़ेंगे तो नर्मदा घाटी के उत्तरी जो कगार है वो किसके कगार है, वो विंध्यन पर्वत के कगार है। यहां तक क्लियर हुआ? तो विंध्यन पर्वत के दक्षिणी कगारों पर नर्मदा घाटी स्थित है और नर्मदा घाटी के उत्तरी कगारों पर विंध्यन पर्वत स्थित है। कुछ ऐसी ही कहानी हमें यहां पर देखने को मिलती है। यहां पर भी हम ऐसा बना सकते, ये विंध्यन पर्वत हो गया ठीक, और विंध्यन पर्वत के नीचे ही यहां पर जाएंगे तो ये यहां पर हमें नदी घाटी मिल जाएगी। यहां पर तो ये अभी नदी घाटी क्या मान सकते हैं, ये हमारी सोन नदी है। तो ये यहां से अगर हम देखेंगे तो अगर हम विंध्यन पर्वत से इस साइड जाते हैं तो अगर न सोन घाटी से, जैसे यहां पर आप देखोगे तो यहां पर सोन घाटी होगी, यहां पर कैमूर श्रेणी होगी, तो सोन घाटी से ऊपर बढ़ेंगे तो सोन घाटी से जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो ये पश्चिमी सीमा आ जाएगी। तो सोन घाटी के किस साइड स्थित है, पश्चिम में। तो सोन घाटी के पश्चिमी कगारों पर, जैसे सोन घाटी है तो सोन घाटी के पश्चिमी कगारों पर क्या स्थित है, कैमूर या विंध्यन पर्वत का बात आता है। और अगर हम विंध्यन पर्वत से उतर कर आते हैं तो विंध्यन पर्वत के पूर्वी कगारों पर क्या स्थित है, सोन घाटी स्थित। तो इस तरीके से आपसे प्री एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो स्थिति को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता, सबसे हाईएस्ट पीक पूछे तो उसका आंसर हम दे सकते हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, गुडविल। विस्तार पूछे तो किन श्रेणियों के बीच में, गुजरात की जौबट पहाड़ी, मध्य प्रदेश में बांडेर, बांडेर के आगे कैमूर। कैमूर किन दो नदी घाटियों को अलग करती है, तो यमुना नदी को सोन नदी से विभाजित करती है। एक चीज और समझ लें, सोन नदी के इस साइड ही जाएंगे तो यहां पर बघेलखंड का पठार मिल जाता है। तो यहां पर क्या स्थित है, बघेलखंड का पठार स्थित है। तो इस बघेलखंड के पठार के इधर क्या है, कैमूर स्थित है। तो बघेलखंड के पठार और कैमूर के पठार के बीच में कौन सी नदी प्रवाहित हो रही है, तो हम कह सकते हैं सोन नदी प्रवाहित होती है। और यहां पर आपको मालवा का पठार मिल ही रहा है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो ये आपका मालवा का पठार है। तो देखो यहां पर, तो विंध्यन पर्वत की उत्तर पश्चिम में क्या स्थित है, मालवा। दक्षिण में क्या स्थित है, नर्मदा। और इधर क्या स्थित है आपका, बघेलखंड और सोन नदी। क्लियर हो गया यहां तक, अब आगे पढ़ते हैं ठीक है। तो सद्भावना शिखर, तो अगर इसके मेजर पीक्स की बात करें तो सबसे इंपोर्टेंट पीक मिलता है इसके अंदर, सद्भावना शिखर, जिसको गुडविल के नाम से भी जाना जाता है। अब सद्भावना शिखर के बारे में अगर हम दो तीन बातें देखें, तो हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्यन, तो विंध्यन की सबसे ऊंची चोटी है ये, तो ये सबसे ऊंची चोटी हो गई, ये क्लियर हो गया। दूसरा, इसमें इसकी ऊंचाई पूछी जा सकती है, तो 752 मीटर है। तीसरा, आल्सो नोन एज द कालमूर पीक्स एंड कोलंबे पीक्स, तो इसके अन्य नाम क्या मिलते हैं, कालमूर एंड कोलंबे पीक्स के नाम से जाना जाता है ठीक है। तो इस पॉइंट को छोड़ देना, इसको मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। तो इसकी जो स्थिति है पूरी की पूरी, तो इसकी स्थिति किस श्रेणी के अंतर्गत मिलती है, तो भांडेर श्रेणी के अंतर्गत मिलती है। तो ये भांडेर श्रेणी के आसपास स्थित है, और किस जिले में स्थित है, तो सतना जिले में स्थित है। तो ये सॉरी दमोह जिले में स्थित है, तो किस जिले में स्थित है, दमोह जिले में स्थित है। तो बस इतना सा आपको यहां पर याद रखना है। और यहां पर कुछ और भी पर्वत हैं, तो ये सद्भावना शिखर के बारे में खास तौर पर याद रखेंगे। ऐसे ही आप इसी विंध्याचल पर्वत से जुड़ा हुआ गिद्धराज पर्वत याद रख सकते हैं, जो कहां पर स्थित है, सतना। इनकी केवल लोकेशन याद रखनी है, ये पर्वत कहां पर है, इनके कोई खास साक्ष्य हमें यहां पर नहीं मिलते। केवल इतना याद रखना है कि गिद्धराज पर्वत कहां पर स्थित है, सतना में स्थित। अब सतना में स्थित है, स्वाभाविक है, विंध्यन रेंज के आसपास रहा होगा। और दूसरा, त्रिकुटा पर्वत कहां पर स्थित है, मेहर में मां शारदा देवी का मंदिर भी यहां पर बना हुआ। तो मेहर एक नया बना हुआ राज्य है, 55वां मध्य प्रदेश, सॉरी जिला है मध्य प्रदेश का, जहां पर क्या स्थित है, त्रिकुटा पर्वत स्थित है। तो ये इसके बारे में हो गया। इसके बाद जो श्रेणी आती है वो कहलाती है हमारी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो विंध्यन पर्वत के अंतर्गत इतना आपको याद रखना पड़ेगा कि कहां से कहां तक इसका विस्तार है, सबसे ऊंची चोटी क्या है, और किस तरीके से हम इसको बाउंडेड कर सकते हैं। अब इससे ही मेजर इंपोर्टेंट रेंज की बात करते हैं, वो है सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत के अगर इंट्रोडक्शन की बात की जाए, तो ये इंट्रोडक्शन याद रखना, काफी महत्वपूर्ण श्रेणी है। और इस पर्वत श्रेणी की अगर हम बात करें तो ये भी सेम है, जैसे हमने सतपुड़ा पर्वत पढ़ा था, विंध्यन पर्वत पढ़ा था, तो उसी तरीके से यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत मिलता है। तो सतपुड़ा पर्वत भी नॉर्थ को किससे अलग करता है, साउथ से विभाजित करने वाली एक महत्वपूर्ण श्रेणी है। आप ये कह सकते हैं कि उत्तर के मैदानों को प्रायद्वीपी पठार से अलग करता है, आप इसके इकोसिस्टम को कह सकते हैं, आप इसको जल विभाजक भी कह सकते हैं। तो ये इसके कुछ इंट्रोडक्शन याद रखेंगे। एक पॉइंट और इंट्रोडक्शन में याद रखेंगे कि जो सतपुड़ा पर्वत है वो एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। तो सतपुड़ा पर्वत किसका उदाहरण है, एक ब्लॉक पर्वत का
उदाहरण है। अब ये ब्लॉक पर्वत क्या होता है इसको जरा समझे, तो सतपुड़ा माउंटेन्स क्या है, एक ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। तो ब्लॉक माउंटेन क्या होता है उसको इस तरीके से कुछ समझ सकते हैं। अभी मैं आपके सामने एक सरफेस दिखा रहा हूं, ये एक सामान्य सतह है पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में ये हो सकता है कि जो एक सामान्य सतह है इसमें कुछ अंतरजात बल लगे, तो इसके ऊपर क्या हो जाए, कुछ अंतरजात बल लग जाए। तो इन अंतरजात बलों के कारण क्या है, इसकी आंतरिक भागों में कुछ हलचल पैदा हो सकती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स लग सकते हैं, इंटरनल फोर्स लग सकते हैं। उन इंटरनल फोर्स के कारण क्या होगा कि इसकी जो सामान्य सतह है, तो जो हमें ये अभी सामान्य सतह में दिखाई दे रहा है, तो ये अपनी सामान्य सतह में नहीं रहेगा, यहां पर हो सकता है कि इसके कुछ भाग में, जैसे यहां पर हम टारगेट कर सकते हैं कि मान लो इसके इस भाग में कुछ फोर्स लग रहा हो जो इसको नीचे खींचने का प्रयास कर रहा हो, ठीक है, यहाँ की जमीन क्या हो रही हो, तो ये आंतरिक लगेंगे, ऊपर से नहीं लगेगा, सतह के नीचे बल लगेगा तो जमीन पूरी क्या होगी, नीचे खिसकने का प्रयास कर सकती हो। तो किसी अंतरजात बलों के कारण, जैसे दो चीजें, अगर किसी जमीन के टुकड़े को ब्लॉक को सरकाओगे तो बीच का ब्लॉक क्या हो जाएगा, नीचे की ओर सरक जाएगा, तो किसी भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट के कारण, तो अगर इस सतह पर बल लगेगा तो ये नीचे की ओर जाएगी, और यहाँ पर क्या हो सकता है कि इस तरीके से ये वाला सतह अगर नीचे चली गई तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा यहाँ पर। तो यहां पर क्या हुआ कि दो जगह पर सबसे ज्यादा फोर्स लगा, तो एक तो फोर्स यहां पर हमने देखा था कि ये वाला जो फोर्स है वो यहां पर हम दिखाते हैं, और ये जो ए फोर्स है यहां पर आ गया, और जो बी फोर्स हमने यहां पर देखा था वो यहां पर आ गया। तो इस तरीके से इस स्ट्रक्चर को आप समझ सकते हैं कि जब ए भाग में फोर्स लगेगा तो ये वाला बीच का पार्ट है, ये रिमेनिंग पार्ट है। तो हम ये कह सकते हैं जब किसी स्थलाकृति के दो ब्लॉक नीचे की ओर धस जाएं और बीच का ब्लॉक वहीं की वहीं रह जाए, या एक ब्लॉक वहीं का वहीं रह जाए, तो इस जगह पर जो फॉर्मेशन होता है तो इसको भ्रंश घाटी के नाम से जाना जाता है। तो इस वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी। तो यहां पर भी एक भ्रंश घाटी का निर्माण होगा, और इसके इस साइड जाएंगे तो यहां पर भी क्या होगा, एक भ्रंश घाटी का निर्माण होगा, जिसको इंग्लिश में हम रिफ्ट वैली लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, एक रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन होता। तो दो रिफ्ट वैलीज के बीच में, दो रिफ्ट वैली के बीच में जो अवशेष पर्वत बचा हुआ है, इसी अवशेष पर्वत को क्या कहा जाता है, ब्लॉक माउंटेन के नाम से जाना जाता है। और यही ब्लॉक माउंटेन हमारे भारत के अंदर एक उदाहरण बनता है सतपुड़ा पर्वत का। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, सतपुड़ा पर्वत। अब इन भ्रंश घाटियों के अंदर, तो इस भ्रंश घाटी के अंदर उत्तर में है, तो यहां पर प्रवाहित होती है नर्मदा नदी, और इस भ्रंश घाटी के अंदर प्रवाहित होती है हमारी ताप्ती नदी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सतपुड़ा पर्वत नर्मदा, तो इसके एक साइड हमें क्या मिलती है, नर्मदा, और एक साइड क्या मिलती है, ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती के बीच में स्थित एक क्या है, ब्लॉक पर्वत है। तो नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटियों के बीच में स्थित एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, मतलब दो भ्रंश घाटियों के बीच में स्थित एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ऐसे विश्व में और भी कई हमें ब्लॉक पर्वत देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से ये आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। तो ये वाला साइड अगर मूवमेंट करता है तो ये नीचे धस जाएगा। इस साइड का भी पहले ये समतल था, ये वाला पार्ट इन दोनों पार्ट के पैरेलल था, लेकिन यहां पर क्या हुआ, फोर्स लगने के कारण, खिसकने के कारण ये दोनों ब्लॉक ही क्या हो गए, इस स्कार्पमेंट से नीचे चले गए, और बीच वाला ब्लॉक क्या कहलाएगा, आपका ब्लॉक माउंटेन। हिंदी में इसको भ्रंशोत पर्वत बोल देते हैं, लेकिन आप अंग्रेजी में याद रख लेना तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक। इसके बाद हम इस सतपुड़ा पर्वत की पूरी लोकेशन की बात करते हैं। जैसे हमने विंध्यन पर्वत के बारे में पढ़ा था, तो सतपुड़ा पर्वत की अगर हम लोकेशन की बात करें तो यहां पर हमें सतपुड़ा पर्वत की लोकेशन मिलेगी, और ये पूरे का पूरा सतपुड़ा पर्वत इस डायरेक्शन में हमें मिल जाता है। कई रेंजेस में डिवाइड है, अभी मोटा मोटा याद रखें। तो इसका विस्तार किन किन राज्यों में होगा, तो इसका सबसे पहला जो विस्तार है वो हमें गुजरात राज्य के अंदर मिलेगा। गुजरात के बाद इसका जो मुख्य विस्तार है वो मध्य प्रदेश के अंदर मिलेगा। तो सबसे ज्यादा जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश के अंदर मिलता है, और लास्ट में जो विस्तार है वो छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत मिलता है। तो पश्चिम का जो विस्तार है वो गुजरात में है, पूर्व का विस्तार छत्तीसगढ़ में है, और मध्य का जो विस्तार है वो, सॉरी, पूर्व का विस्तार छत्तीसगढ़ में है, और जो मध्य का विस्तार है वो विस्तार हमारा आता है किसमें, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया। तो ये भी पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई एक श्रृंखला है, पश्चिम में गुजरात, मध्य में मध्य प्रदेश, और पूर्व में छत्तीसगढ़। इसके अलावा याद रखें, इसके अलावा ये भी माना जाता है कि इस पर्वत का जो विस्तार है
इस पर्वत का जो विस्तार है वो छोटा नागपुर के पठार तक भी मिलता है। तो इस पर्वत का विस्तार छोटा नागपुर पठार तक भी मिलता है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो इसका अगर मैक्सिमम विस्तार, मैक्सिमम एक्सटेंशन अगर हो सकता है तो वो कहां पर हो सकता है, छोटा नागपुर के पठार तक इस श्रेणी के अवशेष हमें देखने को मिल जाते हैं। और दक्षिण का कुछ विस्तार हमें महाराष्ट्र की सीमा के साथ भी देखने को मिलता है। तो मुख्य राज्य केवल दो याद रखें, छोटा नागपुर का पठार कहां पर स्थित है, तो ये झारखंड के अंदर स्थित है। तो ये कहां पर स्थित है, झारखंड में। तो मुख्य विस्तार आपका गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। इसके अलावा इसकी सीमा महाराष्ट्र को भी स्पर्श करती है, इसकी सीमा कुछ आपकी झारखंड के छोटा नागपुर के पठार को भी स्पर्श करती है। क्लियर हुआ यहां तक? चलो, तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में छत्तीसगढ़ तक फैली हुई, इसका मध्य विस्तार मध्य प्रदेश के अंदर। ये पॉइंट क्लियर हो गए। और दो राज्य और अलग से याद रखेंगे, कौन कौन से, झारखंड में भी इसका विस्तार मिलता है और कुछ विस्तार इसका महाराष्ट्र में भी मिलता है। नहीं तो कम से कम तीन तो आपको याद रखने ही रखने हैं। नर्मदा नदी सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में बहती, जबकि तापी नदी या ताप्ती नदी दक्षिण में बहती। ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि कौन सी नदी उत्तर में, कौन सी नदी दक्षिण में, ठीक है। तो ये आपके विंध्यन पर्वत हो गई, उत्तर वाले भाग में हमें नर्मदा नदी मिल जाएगी। तो ये ऊपर बहने वाली नदी का नाम क्या हो गया, नर्मदा, और दक्षिण में बहने वाली नदी का नाम क्या हो गया, ताप्ती, या तापी नदी या ताप्ती नदी के नाम से जाना जाता है। विंध्यन पर्वत नर्मदा और ताप्ती नदी की भ्रंश घाटियों के मध्य में स्थित एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। चलो, अब इसकी मध्य प्रदेश में पर्टिकुलर स्थिति देखते हैं। और इसके साथ साथ हम यहां पर यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि यह श्रेणी कितने पार्ट्स में डिवाइड है और इस श्रेणी के अंतर्गत कौन सी महत्वपूर्ण चोटियां आती हैं और इसमें कौन कौन सी चट्टाने या संसाधन, हमें खनिज संसाधन हमें मिलते हैं। और इसके साथ साथ इसमें कुछ छोटी छोटी पर्वत श्रेणियों को भी ऐड किया जाता है या छोटी छोटी पहाड़ियों को भी हमें यहाँ पर पढ़ना होता है। तो देखते हैं यहाँ पर इसको। तो ये जो पर्वत श्रेणी आपके सामने आ रही है, ये हमारा विंध्यन पर्वत। तो यहां पर जो पर्वत श्रेणी मिलती है उसको क्या कहते हैं, विंध्यन माउंटेन। तो पहली जो पर्वत श्रेणी हमने पढ़ी विंध्यन पर्वत, विंध्यन पर्वत के नीचे जाते हैं तो विंध्यन पर्वत के नीचे मिलती हमें नर्मदा नदी और नर्मदा नदी के नीचे मिलता हमें सतपुड़ा पर्वत। तो विंध्यन, विंध्यन के नीचे नर्मदा, नर्मदा के नीचे क्या मिलेगा, सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत का विस्तार मध्य गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ में विस्तारित है, जो कंटिन्यू नहीं है, जो लगातार क्रमिक श्रेणियों के रूप में नहीं है, बल्कि कई छोटे छोटे पार्ट्स के बीच में बना हुआ है। तो यहां पर देखेंगे कि इसका जो सबसे पश्चिम का भाग है जो गुजरात के अंतर्गत आता है, इसे जोबट पहाड़ी के, सॉरी, राजपीपला पहाड़ी के नाम से जानते हैं। इसके बाद एक श्रेणी इसकी मध्य प्रदेश के अंदर विस्तृत है और एक श्रेणी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा के अंतर्गत आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरी की पूरी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी तीन श्रेणियों में विभाजित होती है। एक श्रेणी गुजरात के अंदर है, एक श्रेणी मध्य प्रदेश के अंदर और एक श्रेणी हमारी छत्तीसगढ़ की सीमा के साथ बनी हुई है। अब यहां पर समझे, यहां पर एक दर्रा हमें मिलता है इस पश्चिमी और इस पूर्वी। तो पश्चिमी और पूर्वी भाग के अंदर एक दर्रा मिलता है जिसको कहा जाता है बुरहानपुर पास। इस पॉइंट को खास तौर पर आपको याद रखना है, बुरहानपुर दर्रा, क्योंकि यही बुरहानपुर दर्रा इससे विभाजित करने का मुख्य आधार हमें मिलता है। यहां पर एक चीज भी और समझेंगे कि जब हम नॉर्मल बुक्स के अंदर पढ़ते हैं तो इस तरीके से आपको पढ़ना होता है। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि जो सतपुड़ा माउंटेन है, सतपुड़ा माउंटेन तीन रेंज में डिवाइड है। एक मिलती है राजपीपला, दूसरी है महादेव और तीसरी जो मिलती है वो हमें मिलती है मेकाल। तो इस तरीके का क्लासिफिकेशन हमें बुक्स के अंदर सामान्यतः देखने को मिलता है, इस तरीके से देखा जाता है। लेकिन इसका जो वर्गीकरण किया जाता है, पूरी श्रेणी का वर्गीकरण, वो तीन पार्ट में किया जाता है, ऐसे नहीं करते। तो ये एक सामान्य वर्गीकरण है। तो इस वर्गीकरण के अलावा ये तो तीन रेंज का वर्गीकरण है, लेकिन पूरे विंध्यन पर्वत को किस तरीके से डिवाइड किया जाता है वो समझते हैं, सॉरी सतपुड़ा पर्वत को। तो पूरे सतपुड़ा पर्वत को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और ये जो मैं बता रहा हूं, ये जो सतपुड़ा पर्वत का डिवीजन है, ये हिंदी ग्रंथ अकेडमी के आधार पर है, आप चाहो तो वहां पर जाके पढ़ सकते हैं। तो हिंदी ग्रंथ बुक्स के आधार पर ये वर्गीकरण मैं आपको बता रहा हूं। तो हिंदी ग्रंथ अकेडमी बुक्स के आधार पर जो वर्गीकरण दिया जाता है, उसमें पहले पार्ट को
जो इसका पहला पार्ट है उसको कहा जाता है पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, दूसरी को कहा जाता है पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी और तीसरा जो पार्ट इसका आता है जो सबसे पूरब में आता है उसको मेकाल श्रेणी को इस तरीके से अलग से लिखा जाता है। तो ये तीन क्लासिफिकेशन हमारे मिलते हैं। अब इन्हीं क्लासिफिकेशन को बताए बिना ही हम डायरेक्ट इस क्लासिफिकेशन पर चले जाते हैं। अब इसका मतलब क्या हो जाता है, जो पश्चिमी श्रेणी है इसके अंतर्गत पार्ट आता है हमारा राजपीपला और इसके अंतर्गत जो पार्ट आता है वो हमारा महादेव का आता है और ये मेकाल के नाम से हमारा है ये यहां पर। तो इस तरीके से ये तीन क्लासिफिकेशन जो हम यहां से स्टार्ट करते हैं उसको पहले तीन भाग में डिवाइड किया जाता है, पश्चिमी पर्वत श्रेणी, पूर्वी पर्वत श्रेणी और मेकाल पर्वत श्रेणी। अब इनको विभाजित करने का जो आधार है हमारे पास वो है बुरहानपुर दर्रा। तो बुरहानपुर दर्रे के आधार पर ही सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को पश्चिम और पूर्व में डिवाइड किया जाता है। तो पश्चिमी श्रेणी का अगर हम विस्तार देखें तो सबसे पहले जो हमें मिलेगी वो पश्चिमी श्रेणी मिलेगी। तो पश्चिमी श्रेणी का विस्तार कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो हम कह सकते हैं पश्चिमी श्रेणी का विस्तार गुजरात से स्टार्ट होता है। तो पश्चिमी श्रेणी गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर दर्रे तक विस्तृत है। तो गुजरात से लेकर बुरहानपुर दर्रे तक किसका विस्तार मिलता है, हमें पश्चिमी श्रेणी का विस्तार मिलता है और बुरहानपुर दर्रे के पूरब में जो विस्तार मिलता है वो पूर्वी श्रेणी का मिलता है। तो बुरहानपुर दर्रा इसलिए यहां पर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यहां पर याद रखना है कि ये तो हो गई, देखो ये वाला जो पार्ट हो गया ये कौन सा कहलाएगा हमारा, यहां पर लिखा हुआ मैंने, तो ये दोनों का जो आधार है यहां पर पश्चिम और पूर्व को डिवाइड करने का, तो ये आधार हमारे पास क्या है यहां पर लिख सकते हो एक बार, बाकी मैं डिटेल से भी इसको बताऊंगा। तो वो हमारे पास मिलता है बुरहानपुर, ठीक है। तो बुरहानपुर इसका मेन आधार है जो दोनों को डिवाइड करता है। तो हम कह सकते हैं पश्चिमी पर्वत श्रेणी का विस्तार गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर दर्रे तक है। इस पश्चिमी श्रेणी के अंतर्गत गुजरात की राजपीपला पर्वत श्रेणी आती है। तो यहां पर जो श्रेणी मिलती है गुजरात की, तो गुजरात के अंदर जो श्रेणी मिलती है उसे कहा जाता है राजपीपला पर्वत श्रेणी या राजपीपला हिल्स भी आप कह सकते हैं। तो पश्चिमी श्रेणी के अंतर्गत ही हमें क्या मिलती है, राजपीपला श्रेणी। किस क्षेत्र के अंतर्गत मिलती है, गुजरात की सीमा के अंतर्गत मिलती है। इसके इस राजपीपला श्रेणी का कुछ विस्तार हमें मध्य प्रदेश के अंदर भी मिलता है, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के पास में एक पहाड़ी मिलती है जिसको कहते हैं चूलगिरी। तो चूलगिरी या चूलगिरी की पीक जो है मिलती है, तो चूलगिरी या चूलगिरी की पहाड़ी राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, चूलगिरी चोटी। इसके बाद जब हम मध्य प्रदेश के अंदर एंटर करते हैं तो कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां यहां पर हमें मिलती हैं। तो इसी तो राजपीपला मिलेगा गुजरात में और मध्य प्रदेश के अंदर अगर हम आते हैं तो यहां पर छोटी छोटी पहाड़ियां हमें मिलती हैं। जैसे कुछ पहाड़ियों की बात की जाए तो यहां पर हमें मथावर की पहाड़ी मिलती है। तो एक पहाड़ी क्या मिलेगी हमें, मथावर की पहाड़ी। मथावर की पहाड़ी के बाद जाएंगे तो यहीं पर हमें अखरानी की पहाड़ी मिलेगी। अखरानी की पहाड़ी के बाद जाएंगे यहाँ पर हमें असीरगढ़ की पहाड़ी मिलेगी। यहीं पर हमें बड़वानी की पहाड़ी भी मिलेगी। यहीं पर हमें बीजागढ़ की भी पहाड़ी मिलेगी। तो ये चार पांच पहाड़ियां यहाँ पर हमें मिलती हैं, जिनमें कौन कौन सी पहाड़ी हो गई, तो एक मदावर की पहाड़ी, अखरानी की पहाड़ी, बड़वानी की पहाड़ी, असीरगढ़ की पहाड़ी और बीजागढ़ की पहाड़ी। तो ये सारी पहाड़ियों का संबंध किससे है, तो इन सारी पहाड़ियों का संबंध पश्चिमी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से है जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। इसमें असीरगढ़ के बारे में आप अच्छे से जानती हैं, असीरगढ़ को दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अकबर का अंतिम सैन्य अभियान भी हमें असीरगढ़ के किले में ही मिलता है जो बुरहानपुर जिले के अंतर्गत स्थित है। यहां तक की कहानी समझ में आई, तो पहले क्या बताएंगे, पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, इसको मैं अभी डिटेल से भी कराऊंगा। तो ये सारा डेटा आपका पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी का आता है। पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी के बाद स्टार्ट होती है हमारी पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी। तो पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी का सारा विस्तार हमें मध्य प्रदेश में मिलता है। इस पूर्वी पर्वत श्रेणी के अंतर्गत जो हमें श्रेणी मिलती है उसको कहा जाता है महादेव श्रेणी।
तो पूर्वी श्रेणी के अंतर्गत हमें क्या मिलता है, महादेव श्रेणी। और इस महादेव श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी मिलती है उस चोटी को कहा जाता है धूपगढ़ी, जो मध्य प्रदेश के पचमढ़ी नर्मदापुरम या होशंगाबाद जिले में स्थित है। धूपगढ़ केवल महादेव श्रेणी की नहीं बल्कि पूरे सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी भी है, ठीक है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, धूपगढ़, जो पचमढ़ी होशंगाबाद में स्थित है। इसके अलावा यहां पर इसी महादेव श्रेणी के दक्षिणी हिस्से पर कुछ हमें छोटी छोटी पहाड़ियां मिलती हैं जो पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी का ही पार्ट है। जैसे इसके अंदर जाएंगे तो ग्वालीगढ़ की पहाड़ी मिलेगी, इसी के अंदर कालीभीत बैतूल में मिल जाएगा, इसी के अंदर नंदीगढ़ की नंदीगिरी की पहाड़ियां या नंदगिरी की पहाड़ियां भी मिल जाएंगी। ग्वालीगढ़ की पहाड़ी को ज्यादातर किताबों में पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत लिखा जाता है, लेकिन हिंदी ग्रंथ अकेडमी में ग्वालीगढ़ की पहाड़ी को महादेव श्रेणी के दक्षिण में बताया गया है, तो इसको आप वहां से चेक कर सकते हैं एक बार हिंदी ग्रंथ अकेडमी से। तो इस तरीके से यहाँ पर ग्वालीगढ़, कालीभीत और नंदीगढ़ की पहाड़ियां या नंदगिरी की पहाड़ियां मिल जाती हैं। इसी के अंदर यहाँ पर हमें बैतूल का पठार मिलता है, बैतूल के पठार के आगे ही हमें छिंदवाड़ा का पठार भी मिलता है। इसके बाद आते हैं मैकाल श्रेणी के अंतर्गत, और मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची जो चोटी है वो हमें मिलती है अमरकंटक। तो मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है यहाँ पर, अमरकंटक। तो मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, और इसी अमरकंटक से उद्गम होता है नर्मदा, सोन और जोहिला नदियों का। अमरकंटक कहाँ पर स्थित है, तो अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। इसी से किसका उद्गम होता है, नर्मदा, सोन और जोहिला नदियों का उद्गम होता है। तो इसी से सोन नदी का उद्गम होगा, इसी के पश्चिम में प्रवाहित होती है हमारी नर्मदा नदी। तो सोन नदी और नर्मदा नदी दोनों ही नदियों का उद्गम यहीं से होता है, और सोन की सहायक नदी का उद्गम भी यहीं से होता है जिसका नाम है जोहिला। तो सोन की सहायक नदी का जोहिला भी इसी क्षेत्र से उद्गमित होती है। तो ये मध्य प्रदेश के अंदर विंध्यन पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार हमने देखा। तो कौन कौन सी पहाड़ियां मिलती हैं सारी लोकेशन के साथ हमने देखा, और कौन कौन से यहाँ पर श्रेणियां और कौन कौन सी नदियां हमें यहाँ पर मिलती हैं। इसके बाद कुछ डेटा की बात कर लेते हैं, तो इसको तीन पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। पहला कहलाता है वेस्टर्न सतपुड़ा श्रेणी, पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी। अब पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी को हम पढ़ चुके हैं, एक बार इसके पूरे डेटा को समझ लें। तो पहले तो हम विस्तार बताएंगे, एक्सटेंड फ्रॉम द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ गुजरात एंड मध्य प्रदेश टू द बुरहानपुर पास। तो गुजरात और मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा से बुरहानपुर दर्रे तक फैला हुआ है। तो इसका विस्तार कहाँ है, गुजरात और मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा से लेकर बुरहानपुर दर्रे तक इसका हमें विस्तार मिलता है इस पश्चिमी सतपुड़ा पर्वत की। और सतपुड़ा पर्वत में एक और चीज याद रखना कि जो सतपुड़ा पर्वत है इसकी चौड़ाई पश्चिम में बहुत कम है, पश्चिम में ये सबसे ज्यादा कटा फटा है। जैसे जैसे पश्चिम की से पूर्व की ओर बढ़ते जाएंगे इस पर्वत की चौड़ाई बढ़ती चली जाती है। तो सबसे ज्यादा अगर इरोजन हमें मिलता है तो वो इसके पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत मिलता है, सबसे कम चौड़ाई अगर हमें मिलती है तो वो पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत ही मिलती है। जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे अपरदन भी कम होता जाएगा और पर्वत की चौड़ाई भी क्या है यहाँ पर बढ़ती हुई चली जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं तो पश्चिमी सतपुड़ा पर्वत की दोनों ढलानों पर नर्मदा और ताप्ती नदियों की सहायक नदियों के द्वारा काटी गई, एक मिनट, पश्चिमी सतपुड़ा पर्वत माला की दोनों ढलाने नर्मदा और ताप्ती नदियों की सहायक नदियों द्वारा काटी गई है, ठीक है। तो नर्मदा, तो जो सतपुड़ा पर्वत है तो इसके ऊपर नर्मदा नदी और दक्षिण में क्या है, ताप्ती नदी। तो नर्मदा और ताप्ती की कुछ इसकी नदियों के द्वारा, ताप्ती की सहायक नदियां या इधर से निकलकर इसमें मिलती हैं, यहां से निकलकर इसमें मिलती हैं। तो नर्मदा और ताप्ती नदी की सहायक नदियों के द्वारा इस पर्वत श्रेणी को सबसे ज्यादा काटा गया है। कौन से क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज्यादा कटाव हमें देखने को मिलता है, इसलिए यह बहुत ही विच्छेदित है। बहुत ही विच्छेदित शब्द को यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये काफी ज्यादा कटी फटी है। सीधा अगर भाषा में देखें तो ये सबसे ज्यादा कटी फटी पहाड़ी हमें मिलती है, चौड़ाई भी यहाँ पर सबसे कम हमें देखने को मिलती है। इसमें डेक्कन ट्रैप, तो इसमें क्या पाए जाते हैं, डेक्कन ट्रैप मतलब क्रेटेशियस काल के निक्षेप भी हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए इसकी ऊपरी सतह कैसी हो चुकी है, समतल हो चुकी है। तो डेक्कन ट्रैप में क्या हुआ था, लावा का निक्षेप हुआ था, तो लावा के निक्षेप होने के कारण इसके ऊपरी भाग में पूरी तरीके से लावा फैला हुआ है, इसलिए ऊपर का भाग लगभग इसका कैसा हमें देखने को मिलता है, फ्लैट देखने को मिलता है। निमाण का मैदान असीरगढ़ की पहाड़ियां और नर्मदा के बीच में स्थित है। तो जैसे अभी हमने पढ़ा था कि जो पश्चिमी क्षेत्र है हमारा, इस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर हमने देखा था,
तो मध्य प्रदेश के अंदर यहां पर हमने देखा था कि जो हमारी यहां पर सतपुड़ा पर्वत है, ठीक है, और सतपुड़ा पर्वत के यहीं पर क्या है, नर्मदा नदी प्रवाहित हो जाती है यहां पर। तो इसी नर्मदा नदी नीचे की ओर जब आती है तो यहीं पर इस एक पहाड़ी मिलती है, इस पहाड़ी को कहा जाता है असीरगढ़। तो इसी नर्मदा और असीरगढ़ की पहाड़ियों के बीच में क्या स्थित है, निमाण का मैदान स्थित है। तो निमाण का मैदान कहां पर स्थित है, नर्मदा नदी और असीरगढ़ की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। एक पॉइंट और याद रखेंगे, राजपीपला की सबसे ऊंची चूलगिरी है जो बड़वानी जिले में स्थित है। तो राजपीपला कहां पर है, गुजरात में, और उसकी सबसे ऊंची चोटी कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में स्थित है। तो ये तीन चार पॉइंट आपको किसके बारे में याद रखना है, वेस्टर्न सतपुड़ा रेंज के बारे में याद रखना है। असीरगढ़ को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ये एक फैक्चुअल, और अकबर का अंतिम सैन्य अभियान भी हमें असीरगढ़ में ही देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अंतर्गत कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां जैसे मैंने आपको बताई थी, उन पहाड़ियों के बारे में आप याद रख सकते हैं। जैसे कुछ छोटी छोटी पहाड़ियों के बारे में हमने पढ़ा था, पांच पहाड़ियां मैंने बताई थी, जिसके अंदर हमने अखरानी की पहाड़ी पढ़ी थी, इसके अंतर्गत हमने बड़वानी की पहाड़ी पढ़ी थी, असीरगढ़ की पहाड़ी पढ़ी थी, मधवार की पहाड़ी पढ़ी थी, बीजागढ़ की पहाड़ी पढ़ी थी। तो ये सारी पहाड़ियां भी किसके अंतर्गत आती हैं, तो ये सारी पहाड़ियां हमारी कहीं ना कहीं विंध्यन सॉरी सतपुड़ा पर्वत के पश्चिमी क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। तो ये आपको वेस्टर्न सतपुड़ा रेंज के बारे में याद रखना। इसके बाद आती है हमारी ईस्टर्न सतपुड़ा रेंज, ईस्टर्न सतपुड़ा रेंज। तो ईस्टर्न सतपुड़ा रेंज का विस्तार हमें कहां पर मिलता है, तो ये बुरहानपुर दर्रे के, तो जो बुरहानपुर दर्रा है, तो बुरहानपुर दर्रे के पूरब में, तो बुरहानपुर दर्रे के पूरब से ही किसका विस्तार शुरू होता है, पूर्वी पर्वत श्रेणी का विस्तार शुरू होता है। इसमें श्रेणी वगैरह तो हम जानते हैं, मेन इसमें याद रखना है कि इसमें कौन सी रॉक मिलती है, कौन सी चट्टाने यहां पर हमें देखने को मिलती है। तो इसकी रॉक्स की बात करें तो इसमें ग्रेनाइट के एग्जाम्पल हमें मिलते हैं। तो इसी पूर्वी श्रेणी के अंतर्गत हमें क्या मिल जाता है, ग्रेनाइट, जो प्री कैम्ब्रियन काल का ग्रेनाइट है, और ये ग्रेनाइट बैतूल और छिंदवाड़ा के पठार के अंतर्गत सबसे ज्यादा मिलता है। तो मैंने याद होगा आप डायग्राम में देखोगे तो मैंने पूर्वी पर्वत श्रेणी पढ़ाई थी, और उसी पूर्वी पर्वत श्रेणी के अंतर्गत हमें छिंदवाड़ा और बैतूल का पठार देखा। तो बैतूल और छिंदवाड़ा के पठार में प्री कैम्ब्रियन काल के ग्रेनाइट के साक्ष्य में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो ग्वालियरगढ़ की पहाड़ी है, इस ग्वालियरगढ़ की पहाड़ी में सबसे ज्यादा दक्कन ट्रैप मतलब मैग्मा का निक्षेप हमें देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो गोंडवाना रेक्स थे, महादेव जो रेंज है, तो जो महादेव रेंज है, उस महादेव रेंज के अंदर सबसे ज्यादा हमें गोंडवाना रॉक्स यहाँ पर देखने को मिलती है, और बहुत सारे कोल्ड बेल्ट भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे मोहपानी कोल्ड बेल्ट हो गया, ठीक है, तो ये सारे कोल्ड बेल्ट ही हमें इसी सतपुड़ा, तो सतपुड़ा रेंज के अंदर काफी ज्यादा हमें गोंडवाना रॉक्स देखने को मिल जाती है। तो ये तीन प्रकार की रॉक्स याद रखेंगे। हाईएस्ट पीक की याद रखें तो इसमें सबसे हाईएस्ट पीक मिलती है धूपगढ़, जो पचमढ़ी नर्मदापुरम में स्थित है, जो वेस्ट इसकी पूरे सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। तो पूरे सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो हम कहेंगे धूपगढ़। इसी के अलावा यहां पर आप एक चोटी और देखोगे, ठीक है, यहां पर तो धूपगढ़ हो गई। इसके अलावा यहां पर ग्वालियरगढ़ की पहाड़ियां हमने देखा था, तो इसी सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत हमें ग्वालियरगढ़ की पहाड़ियां मिल जाती हैं, इसी के अंतर्गत हमें चौड़ागढ़ की पहाड़ियां मिल जाती हैं, इसी के अंतर्गत हमें नंदगिरी की पहाड़ियां भी मिल जाती हैं। तो ये कुछ पीक्स याद रखेंगे, कुछ हिल्स याद रखेंगे, रॉक सिस्टम इसका याद रखेंगे, बाकी जो मुख्य भाग है वो महादेव श्रेणी का है, और महादेव श्रेणी पर ही सबसे ऊंची चोटी हमें क्या मिलती है, धूपगढ़, जो मध्य प्रदेश के पचमढ़ी होशंगाबाद में स्थित है। तो ये सेंटर पार्ट हमारा हो गया, या इसको पूर्वी भाग कहते हैं। तीसरा जो पार्ट था उसको कहते हैं मेकाल श्रेणी। तो मेकाल श्रेणी का जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा के साथ हमें मिलता है। अब इस मेकाल श्रेणी के अंदर किस प्रकार की चट्टानों का निक्षेप हमें मिलता है वो याद रखेंगे। तो इस मेकाल श्रेणी का जो नॉर्दर्न पार्ट है, जैसे ये मेकाल श्रेणी मान लेते हैं, तो इस मेकाल श्रेणी के जो नॉर्थ पार्ट है उनके अंदर डेक्कन ट्रैप के सबसे ज्यादा एग्जाम्पल मिलते हैं, और जो सदन वाला पार्ट है, इसका साउथ वाला पार्ट है, वहां पर ग्रेनाइट के एग्जाम्पल हमें मिलते हैं प्री कैम्ब्रियन के। तो ग्रेनाइट नीस इसके दक्षिणी भागों पर मिलता है, क्योंकि ये जो मेकाल श्रेणी है ये इस तरीके से रीढ़ की हड्डी की तरह ऐसे करके मुड़ जाती है,
तो ये इस तरीके से फैली हुई पूरी की पूरी श्रेणी है। तो इसका जो नॉर्थ वाला पार्ट है वो पूरे का पूरा डेक्कन ट्रैप से बना हुआ है, दक्षिण वाला जो पार्ट है वो ग्रेनाइट नीस से बना हुआ है, और इसी के अंदर लेटराइड सॉइल के भी बहुत अच्छे डिपोजिशन मिलते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे ज्यादा जो मिट्टी मिलती है वो लेटराइड सॉइल इस क्षेत्र के अंतर्गत सबसे ज्यादा मिलती है। हाईएस्ट पीक की बात करें तो इस क्षेत्र की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अमरकंटक, जो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। द हाईएस्ट पीक ऑफ द मेकार रेंज इज अमरकंटक लोकेटेड इन अनूपपुर मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो अमरकंटक कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। इसी मेकाल श्रेणी का कुछ विस्तार छत्तीसगढ़ में भी स्थित है। जैसे यहां पर अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश अमरकंटक मेकाल हो गया पूरे का पूरा, तो इस मेकाल का कुछ विस्तार मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश के अंदर जो क्षेत्र आता है वो है अमरकंटक, तो अमरकंटक मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में है। और जो बंदरगढ़ वाला पहाड़ क्षेत्र है, बंदरगढ़ वाला जो क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है, ये एमपी के अंतर्गत आता है। तो अगर ये आता है कि मेकाल श्रेणी की मध्य प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसका आंसर आएगा अमरकंटक। और अगर ये क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो उसका आंसर आता है बंदरगढ़। तो बंदरगढ़ इज द हाईएस्ट पीक इन द मेकाल माउंटेन्स रेंज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ वाले एरिया में सबसे ऊंची श्रेणी का नाम क्या आ जाता है? बंदरगढ़। तो दो श्रेणियां याद रखेंगे, एक अमरकंटक और एक बंदरगढ़। मध्य प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी है वो बंदरगढ़ है, और सॉरी अमरकंटक है, और छत्तीसगढ़ में जो सबसे ऊंची चोटी मिलती है उसको कहते हैं बंदरगढ़। क्लियर हुआ यहां तक? कुछ पहाड़ियां इसके अंदर हमने याद रखना, यहां पर जैसे एक बोसनीहा बेसिन करके मिलता है इसी अमरकंटक के आसपास के क्षेत्र के, मतलब यहां पर अगर आप इससे दक्षिण में जाएंगे, जैसे ही मान लो कि ये आपका अमरकंटक है यहां पर, तो इस अमरकंटक से जैसे ही आप नीचे की ओर जाएंगे तो यहां पर बोसनीहा का बेसिन मिलेगा। इसी बोसनीहा से नीचे जाएंगे तो घुमारी का पठार मिलेगा, और इसी से नीचे फिर छत्तीसगढ़ के अंदर जाएंगे और फिर वहां पर मध्य रायपुर का प्लेटू मिलेगा और फिर बेहर का प्लेटू मिलेगा। तो ये तीन प्लेटू उत्तर से दक्षिण में मिलते हैं, बोसनीहा, ठीक है, घुमारी और बेहर। तो ये सारे पठारों का संबंध भी किसके साथ है? हमारे मेकाल श्रेणी के साथ जुड़ा हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर किरार वैली मिलती है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल को लेकर प्रॉब्लम रहती है। और अचान कमार ये पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में स्थित है, एक आपका जैव मंडली आरक्षित क्षेत्र भी है। अचान कमार, अमरकंटक, अचान कमार दोनों को मिलाकर एक बायोडाइवर्सिटी एरिया बनाया गया, एक जैव मंडली आरक्षित क्षेत्र बनाया गया। अब देखें पूरे का पूरा, तो सतपुड़ा रेंज को तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, वेस्टर्न सतपुड़ा, ईस्टर्न सतपुड़ा और मेकाल रेंज। वेस्टर्न सतपुड़ा और ईस्टर्न सतपुड़ा को जो विभाजित करने का आधार है वो हमारे पास है बुरहानपुर दर्रा। इस वेस्टर्न सतपुड़ा का कुछ भाग गुजरात में है और कुछ भाग मध्य प्रदेश में है। गुजरात के अंदर जो पार्ट आता है उसको कहते हैं राजपीपला, और इसकी चोटी मध्य प्रदेश के बड़वानी में जिले है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत इसमें जो पहाड़ी आती वो अखरानी की पहाड़ी आती है, बड़वानी की पहाड़ी आती है, असीरगढ़ की, मथनार की पहाड़ी। तो ये सारी पहाड़ियां हमारी कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ईस्टर्न रेंज के अंतर्गत जाते हैं तो ये पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसमें एक रेंज हमें मिलती है महादेव, और महादेव की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या? धूपगढ़, जो मध्य प्रदेश के पचमढ़ी होशंगाबाद में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और चोटियां पहाड़ी मिलती हैं, जैसे ग्वालियरगढ़ की पहाड़ी, चौरागढ़ की पहाड़ी, नंदगिरी की पहाड़ी और कालीभीत की पहाड़ी। तो ये सारी की सारी पहाड़ियां आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। कालीभीत चाहो तो हटा देना यहाँ से, कालीभीत की जरूरत नहीं है यहाँ पर ज्यादा, ये तीन कम से कम याद रखना। ऐसे ही मेकाल रेंज के अंदर आपको अमरकंटक मिल जाएगा, किरार वैली मिल जाएगी और अचान कमार मिल जाएगा। तो जो अभी तक हमने डायग्राम में पढ़ा था वो सारे का सारा एक सिनॉप्सिस में भी आप याद रख सकते हो। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे पर्वत हैं मध्य प्रदेश के अंदर या छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। जैसे गोपाचल पर्वत के बारे में पूछा जाता है कि गोपाचल पर्वत कहां पर स्थित है, तो ये ग्वालियर के अंदर स्थित है। तो ग्वालियर में हमें क्या मिल जाएगा? गोपाचल पर्वत मिल जाएगा। इसके बाद मालवा के अंदर अगर हम जाते हैं तो मालवा के अंदर इसकी सबसे ऊंची चोटी मिल जाती है, जिसको कहा जाता है सिगार। इसके अलावा जहां पर जाते हैं तो यहाँ पर बुरहानपुर के अंदर अगर हम जाएंगे तो बुरहानपुर में, वैसे मैं यहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियां आपको बता चुका हूं, तो असीरगढ़ की पहाड़ी मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर दक्षिणी भाग में जाते हैं तो यहाँ पर आपको ग्वालियरगढ़ की पहाड़ियां मिल जाती हैं। इसके अलावा बालाघाट में जाएंगे तो लौंझी की पहाड़ियां मिल जाती हैं।
इसके बाद अगर आप जबलपुर के अंतर्गत जाते हैं तो लमेटा की पहाड़ियां मिल जाती हैं, दमोह में जाते हैं तो गिद्धराज पर्वत मिल जाता है, और यहां पर मेहर में जाते हैं तो त्रिकुटा पर्वत मिल जाता है। तो इस तरीके से छोटी छोटी पहाड़ियां भी हमें याद रखनी है जो सिंगल टू मार्कर के लिए या आपके प्री एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। कुछ फैक्चुअल नॉलेज एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं, जैसे हाईएस्ट पीक ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या हमें मिलता है? धूपगढ़, जो महादेव श्रेणी पर स्थित है 1350 मीटर। हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा, तो सतपुड़ा की भी सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो भी आंसर क्या आएगा? धूपगढ़। लेकिन क्वेश्चन अगर आता है हाईएस्ट पीक ऑफ मेकाल इन एमपी, तो हाईएस्ट पीक ऑफ मेकाल इन एमपी तो उसका नंबर आता है अमरकंटक। अगर आता हाईएस्ट पीक ऑफ मेकाल इन सीजी मतलब छत्तीसगढ़, तो उसमें आती है बंदरगढ़। बंदरगढ़ की हाइट देखोगे 1176 है, इसकी हाइट 1067 है, तो रियल में मेकाल की सबसे ऊंची चोटी बंदरगढ़ होगी, ना कि अमरकंटक। तो लेकिन एमपी में पढ़ते हैं तो हम अमरकंटक ही याद रखते हैं, लेकिन बंदरगढ़ भी याद रखना। हाईएस्ट पीक ऑफ राजपीपला, चुलगिरी जो बड़वानी जिले में स्थित थी। हाईएस्ट पीक ऑफ मालवा, सिगार। हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्यन, सद्भावना पिक्स, गुडविल पिक्स। तो इस तरीके से आपके मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले दो प्रमुख पर्वत श्रेणी है, जिसमें सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और विंध्यन पर्वत श्रेणी कंप्लीट होती है, और इन दो श्रेणियों के साथ साथ मध्य प्रदेश में आने वाली छोटी मोटी पहाड़ियों के बारे में भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। धन्यवाद।